नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस समय तमाम क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गांव से लेकर शहर तक, चौपाल से लेकर और चाय की दुकान तक, मतलब आप कहीं चले जाएं, चुनाव की चर्चा है। और नित्य चुनाव नए रंग बदल रहा है। आज कहीं कोई ऊपर दिखाई देता है, कल पता लगता है कि इसकी हवा निकल रही है। आज किसी के बारे में ये चलता है कि वहाँ पर मुकाबला बहुत टाइट है, तो फिर पता लग जाता है कि इनकी हवा निकल गई, यहाँ मुकाबला नहीं रहा। हमने आपसे हरियाणा की अभी तक 85 विधानसभा सीटों पर चर्चा की है। हरियाणा की 85 विधानसभा सीटों पर हम आपसे बातचीत कर चुके हैं, और उन विधानसभाओं में एनालाइज पर देखने के बाद हमारे कुछ दर्शकों ने या हमारे जो कमेंट्स करते हैं उन लोगों ने बताया कि कहाँ पर अभी क्या इलेक्शन में चेंज आ रहा है। तो आज मैं आपके साथ चर्चा में हूं पांच का पंच के रूप में, यानी कि पांच ऐसी विधानसभा सीटें जहां का माहौल बदला है, जहां पर हमने जो बताया था माहौल उससे प्रतिकूल हुआ है, यानी कि उन कैंडिडेट्स के पक्ष में थोड़ी सी हवा बदली है उनके लिए। हमने आपसे दक्षिण हरियाणा की विधानसभा सीटों अटेली, गुरुग्राम और नांगल चौधरी की चर्चा की थी। हमने आपसे हिसार की आदमपुर और हिसार की उचाना की चर्चा भी की थी, हिसार लोकसभा की। मैं आपसे अब चर्चा में एक बार फिर से हूं दक्षिण हरियाणा की अटेली विधानसभा। अटेली विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। महत्वपूर्ण यूं है कि राव इंद्रजीत सिंह ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के भारत सरकार में, जो आज तक छठी बार सांसद बन चुके हैं, यानी कि 6 बार के सांसद हैं, जिनका बहुत बड़ा कद है हरियाणा की राजनीति के अंदर, और जिन्होंने अपने ओहरे और कद को दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी आला कमान को कई बार घुटनों पर ला दिया, राव इंद्रजीत सिंह, उनकी शूटर बेटी हैं आरती राव। आरती राव चुनाव लड़ रही हैं विधानसभा का अटेली से। यहां से सीताराम का चुनाव में टिकट कटा था और सीताराम के स्थान पर आरती राव को टिकट मिला। जब चुनाव शुरू हुआ था तो लग रहा था कि जैसे आरती राव बड़े आराम से चुनाव जीत लेंगी, लेकिन आज वर्तमान के हालात में स्थिति यह है कि आरती राव का चुनाव पूरी तरह फंस चुका है। राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि अटेली के अंदर आरती राव पूरी तरह संकट में है, खतरे में है, और यहां पर जो चुनाव है, अटेली का विधानसभा चुनाव इस समय भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के चुनावी मुकाबले में बहुत तेजी से आ चुका है। और अटेली के लिए आप मान करके चलें कि कांग्रेस कैंडिडेट भी इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मैंने आपको बताया, आरती राव हैं। उनके मुकाबले बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो अतर सिंह हैं। अतर सिंह ने पिछले चुनाव के अंदर भी 35-36 हज़ार वोट लिए थे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ही। आरती राव को जब से यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं विद्रोह, कहीं विरोध या कहीं दबी कुचली बात में आरती राव को लेकर के कटाक्ष की बातें चली। ये भी कहा गया कि राव इंद्रजीत सिंह को अगर अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना था तो फिर वो रेवाड़ी क्यों नहीं। अटेली का टिकट मिलने के बाद से आरती राव यहां पूरे संकट में है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अतर सिंह जो मुकाबला दे रहे हैं या फाइट दे रहे हैं, और अतर सिंह को एज माना जा रहा है, वहां पर कहा जा रहा है कि अतर सिंह आगे भी है। और यहां पर अनीता यादव पहले भी विधायक रही हैं, संसदीय सचिव भी रही हैं सरकार के अंदर। अनीता यादव कांग्रेस की कैंडिडेट है, और अनीता यादव इस चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं, और यहाँ का मुकाबला अगर आप कहें तो बिल्कुल पूरी तरह तिकोना बन चुका है। अटेली विधानसभा का जो जाट मतदाता है वो एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन, और दूसरी तरफ कांग्रेस, इन दोनों में बट रहा है। आरती राव के साथ में जो अहीर मतदाताओं का अगर वोट आ जाता है, यादव मतदाताओं का, तो एक राव इंद्रजीत सिंह विरोधी धड़ा वो हो गया, और दूसरा अहीर मतदाताओं के अंदर, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट अनीता यादव हो गई, इन दोनों के बीच में यदुवंशी वोट भी बट रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो ओबीसी मतदाता है, उस मतदाता के अंदर का बड़ी सेंध लगी है कांग्रेस और इनेलो बसपा प्रत्याशी दोनों की तरफ से। और इस सब को देखते हुए कहा जा रहा है कि अटेली का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से फंसा हुआ है, और आरती राव, जिनके लिए यहां पर एज माना जा रहा था, समझा जा रहा था कि वो आगे हैं, वो अब चुनावी मुकाबले में कहीं पिछड़ती नजर आ रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर आरती राव इस सीट को पहले चुनाव को लूज कर जाएं।
अगर कांग्रेस की जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में बात चल रही है, आप एक बात तो मान करके चलें कि हरियाणा के अंदर इस समय कांग्रेस के पक्ष का माहौल है, कांग्रेस के पक्ष का माहौल है, चाहे वो टेलीफोनिक बातचीत में और चाहे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हमने जो देखा है उससे आप ये मान लें कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में इस प्रकार का माहौल है कि उसे आप, जैसा योगेंद्र यादव भी कह रहे थे, उसे आप हवा भी कह सकते हैं, उसे आप आंधी भी कह सकते हैं और उसे आप सुनामी भी कह सकते हैं। यानी कि हवा चल रही है, अगर वो हवा तेज होती है तो आंधी में बदल जाती है और आंधी तेज होती है तो फिर सुनामी बन जाती है। इस हिसाब से अगर ये हवा का चुनाव रहा तो फिर यहां पर जो फाइट है वो इनेलो बसपा कैंडिडेट और आरती राव के बीच में है, लेकिन अगर कहीं ये आंधी और सुनामी बना तो फिर अनीता यादव भी इन पर भारी पड़ सकती हैं। इंतजार यहां के लिए 8 अक्टूबर तक का करना ही होगा। अगली विधानसभा की बात करें तो मैं बताऊं आपको गुरुग्राम लोकसभा विधानसभा की बात। गुरुग्राम जो साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, गुरुग्राम एक ऐसी विधानसभा है जिसमें दुनिया के कई देशों के लोग यहां पर रहते हैं। गुरुग्राम एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसको हरियाणा के सबसे प्रमुख विधानसभा सीट माना जा सकता है। गुरुग्राम में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया मोहित ग्रोवर को। मोहित ग्रोवर पिछला विधानसभा चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े थे, आजाद लड़ते हुए मोहित ग्रोवर यहां लगभग 44,000-45,000 तक वोट ले गए थे। मोहित ग्रोवर लोकसभा चुनाव के दौरान में कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में थे, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। और मोहित ग्रोवर जो कांग्रेस कैंडिडेट बनकर के आए उनके लिए पहले ये चर्चाएं भी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में भी थे और वहां भी उनके टिकट की बात चल रही थी। आखिरकार वो आए कांग्रेस में, दीपेंद्र हुड्डा ने उनको शामिल कराया। मोहित ग्रोवर के लिए मैं बता दूं कि इनके पिताजी मदनलाल कांग्रेस के कभी जिलाध्यक्ष रहे हैं, यानी कि दोनों इनका टेस्ट बन सकता है कि कभी कांग्रेस में रहे थे, कभी भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे थे और फिर चुनाव अंतोगत्वा कांग्रेस से लड़ा। मोहित ग्रोवर के सामने जो कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं नवीन गोयल। नवीन गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नेता रहे हैं, अब तो भाजपा ने निष्कासित कर चुकी है। नवीन गोयल लंबे समय से तैयारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। जब नवीन गोयल को टिकट भाजपा का नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। मैं आपको बता रहा था सुधीर सिंगला यहां से कैंडिडेट विधायक थे पहले, यहां पर सुधीर सिंगला का टिकट काटा गया, उम्मीद थी कि नवीन गोयल को मिलेगा, लेकिन टिकट लेकर के आ गए मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा पहलवान यहां पर, वो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, लेकिन जिस प्रकार का जात समीकरण बनता है, कास्ट फैक्टर बनते हैं, उसके लिहाज से हमने पहले आपको बताया था कि मोहित ग्रोवर को एज है, मोहित ग्रोवर आगे हैं, लेकिन वर्तमान हालात की जो स्थिति वहां नजर आ रही है, जाट मतदाता तो मोहित ग्रोवर की फेवर में है, लेकिन लगभग 90,000 के आसपास या 1,00,000 के आसपास जो वहां का पंजाबी मतदाता है, पंजाबी मतदाताओं के बीच में वो उत्साह नहीं है जो उत्साह उनके पिछले निर्दलीय चुनाव में था। मेरी वहां कई पंजाबी नेताओं और उन मतदाताओं से बातचीत हुई, टेलीफोनिक भी और मिल करके भी, तो लोगों का जो रुझान था वो बड़ा स्पष्ट नहीं था मोहित ग्रोवर के लिए, उदासीनता थी कहीं। और जब चुनाव में उदासीनता होती है तो फिर वो प्रत्याशी की फेवर की बात नहीं होती। जहां तक मैं आपसे कास्ट फैक्टर की बात कर रहा था, तो जिस समाज का प्रत्याशी होता है उस समाज से उम्मीद होती है वहां लहर चल जाएगी, लेकिन मोहित ग्रोवर के पक्ष में वो सब नहीं हो रहा। इस लिहाज से वहां पर जो नवीन गोयल कैंडिडेट हैं निर्दलीय, क्योंकि उनके पास भाजपा का कैडर पहले से रहा है, भाजपा का जो कैडर वर्कर है वो नवीन गोयल को वहां समर्थन भी कर रहा है, इस हिसाब से नवीन गोयल वहां मुख्य मुकाबले में आ गए हैं। और अगर नवीन गोयल और मोहित ग्रोवर के बीच में मुकाबला होता है तो आज वहां पर कांटे की फाइट मानी जा रही है, जहां पहले मोहित ग्रोवर को एज दिया जा रहा था। मुकेश शर्मा के पक्ष में वहां पर बड़े नेता भाजपा के कई जा चुके हैं, लेकिन मुकेश शर्मा के पक्ष की बात भी यही है कि जहां उनके लिए भाजपा नेता, बड़े नेता काम कर रहे हैं, वहीं ग्रास रूट का वर्कर उनके पास कम चल रहा है। और जब तक ग्रास रूट का वर्कर साथ नहीं होता तब तक मतदाताओं को अपनी तरफ करने में लोगों को, खासकर कैंडिडेट को परेशानी आती है। अगर गुरुग्राम के अंदर मोहित ग्रोवर को पंजाबी समाज का वो समर्थन नहीं मिल पाया या ये उदासीनता चलती रही तो फिर मोहित ग्रोवर के लिए समस्या बन सकती है। अगर मैं आज गुरुग्राम का बताऊं तो यहां पर जो कांटे की लड़ाई चल रही है वो कांटे की फाइट कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में आ गई है। मुकेश शर्मा इस लड़ाई को तिगड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाजपा का कार्यकर्ता, जो कैडर बेस कार्यकर्ता है, वो नवीन गोयल के साथ ही लगा रहा, मुकेश शर्मा के पास अगर नहीं गया, तो स्थिति में नवीन गोयल का मुकाबला लगातार आगे चलता रहेगा जो अगले 4 दिन आने हैं।
अगर दूसरी तरफ करें तो मोहित ग्रोवर के पक्ष में अगर पंजाबी मतदाता नहीं उठा तो फिर उनके लिए समस्या है। मोहित ग्रोवर के पक्ष की बात यहां पर यह आ जाती है कि जो हरियाणा का मामला मैंने आपको पहले में बताया अटेली के मामले में, कि अगर कांग्रेस की जो हवा या आंधी वाली बात है अगर वो फायदा मिलेगा तो फिर मोहित ग्रोवर ऊपर आते हैं, नहीं तो यहां का चुनाव भी बिल्कुल कांटे के चुनाव में फंसा हुआ है। अगर अगली बात मैं आपसे करूं तो अगली बात है नांगल चौधरी, अहिरवाल की प्रमुख विधानसभा सीट। राव अभय सिंह यहां से लगातार दूसरी बार विधायक है, पहली बार उनको केवल विधायक रह गए और दूसरी बार उनको सरकार में वजीर भी बनाया गया, आजकल सरकार के मंत्री भी हैं। राव अभय सिंह के पास भारतीय जनता पार्टी का टिकट है और उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो हैं मंजू चौधरी। मंजू चौधरी मूलाराम जी जो यहाँ के विधायक रहे हैं उनकी धर्मपत्नी है। मूलाराम पिछला चुनाव भी लड़े थे, कुछ वोटों से वहाँ पर उनको मुकाबला अच्छा हुआ था लेकिन पिछड़ गए थे। इस चुनाव के अंदर भी वही बात आ जाती है, राव अभय सिंह के साथ में जहाँ उनके पक्ष की एक बात है कि उनका जो अपना वोटर है, अपना जो समर्थक कार्यकर्ता है वो टिका हुआ है, लेकिन अभय सिंह के लिए बड़ी परेशानी यहाँ पर ये है कि जो भाजपा वाला दूसरा गुट या राव इंद्रजीत सिंह समर्थक मतदाता है, मतदाता कार्यकर्ता है, वो उनसे दूरी बनाए हुए है। और मंजू चौधरी के लिए बात यह आ जाती है कि वही कांग्रेस वाला माहौल, कांग्रेस की फेवर। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि यहां पर अब राव अभय सिंह पिछड़ रहे हैं। हमने आपको अपने पहले वीडियो में जब दिए थे महेंद्रगढ़ भिवानी विधानसभा का, तो हमने कहा था कि राव अभय सिंह आगे है, राव अभय सिंह को एज है, लेकिन इस समय जो दक्षिण हरियाणा के अंदर स्थिति बन रही है वो कांग्रेस की फेवर का माहौल बनने की वजह से अभय सिंह परेशानी में है। अगर अगली विधानसभा की बात करूं तो फिर हिसार लोकसभा की आदमपुर विधानसभा। आदमपुर पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है, चौधरी भजनलाल परिवार का यहां पर तिलिस्म कभी टूटा नहीं। इस चुनाव में यानी कि 2024 के इस विधानसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई हैं, चौधरी भजनलाल के पोते कुलदीप बिश्नोई के बेटे। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के अंदर कुलदीप बिश्नोई को स्वागत कर रहे थे लोग, माला पहना रहे थे, जो कुर्सियां अतिथियों वाली थी वहां पर 6-7 लोग दिख रहे थे, बाकी सामने लोग ही नहीं थे। आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव भी हमने कवर किया था और हमने आपको तब भी बताया था माहौल क्या, और आज का माहौल ये बन रहा है कि चंद्रप्रकाश आईएएस, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, चंद्रप्रकाश आईएएस का चुनाव भव्य बिश्नोई के चुनाव के मुकाबले काफी आगे निकलता जा रहा है। यानी कि पहली बार आदमपुर के अंदर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो एक बार यहां पर भजनलाल परिवार को डेंट पहले भी लग चुका है। ध्यान कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव जिसके अंदर भव्य बिश्नोई कैंडिडेट थे, उस चुनाव में भव्य बिश्नोई लोकसभा कैंडिडेट होते हुए आदमपुर में विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर पिछड़ गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव बाद में यहां कुलदीप बिश्नोई जीत गए थे, उसके बाद उपचुनाव भी भव्य बिश्नोई जीत गए, लेकिन एक पहला चुनाव लोकसभा का था जिसमें आदमपुर में भजनलाल परिवार पिछड़ा। और 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए यह कहा जाने लगा है कि भव्य बिश्नोई इस चुनाव के अंदर पिछड़ सकते हैं, यानी कि चौधरी भजनलाल के परिवार को आदमपुर में पहली बार डेंट लग सकता है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भव्य बिश्नोई को एज है, भव्य बिश्नोई आगे है, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर जिस प्रकार का वहां चुनाव चल रहा है उसको देखते हुए यहां पर भव्य बिश्नोई कड़े मुकाबले में फंस गए हैं और चंद्र प्रकाश उनको कहीं कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। शिकस्त तो नहीं कहूंगा अभी, शिकस्त तो 8 तारीख को तय होगा, लेकिन शिकस्त देने की तरफ अग्रसर है ये जरूर कहूंगा। आपको यह जरूर बता दूं कि चंद्र प्रकाश जो आईएएस, जो सेवानिवृत्त आईएएस हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं में हैं। इनका नाम लोकसभा चुनाव में भी बतौर प्रत्याशी के लिए हिसार से लिया गया था। इसके साथ साथ चंद्र प्रकाश की जो छवि है वो उनकी छवि उनको काफ़ी बढ़ावा देती है। चंद्र प्रकाश की ईमानदार वाली छवि है और आप इस बात को माने कि मनोहर लाल खट्टर ने इनको, जो मुख्यमंत्री थे, पिछले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी ने चंद्र प्रकाश को सेवानिवृत्ति के बाद में भी इनकी सेवा वृद्धि विस्तार दिया था, कांग्रेसी विचारधारा होते हुए भी। इसके साथ चंद्र प्रकाश के पक्ष की एक बात और है कि ये वहाँ के जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं पंडित रामजीलाल जांगड़ा, उनके परिवार से हैं। रामजीलाल जांगड़ा कभी चौधरी भजनलाल के बहुत नज़दीक रहे थे और आप मान लें तो जिस परिवार के लोग सामने हो जाएं, क्योंकि रामजीलाल जांगड़ा नज़दीक रहे चौधरी भजनलाल परिवार के, उस लिहाज से चंद्र प्रकाश के पास भी चौधरी भजनलाल परिवार की काफ़ी नज़दीकियों वाले लोग होंगे
और इस लिहाज से आदमपुर के अंदर भव्य बिश्नोई पर चंद्र प्रकाश भारी पड़ रहे हैं। और पांचवी विधानसभा जिसकी मैं आपसे कह रहा था, जो पांच के पंच की, वो है उचाना। उचाना विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह यहां के पूर्व सांसद थे, 2019 से 24 तक भाजपा के सांसद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ी। ब्रजेंद्र सिंह के साथ उनके पिता, दो चार दिन के डिफरेंस में वीरेंद्र सिंह भी और उनकी माताजी प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल हुई भाजपा छोड़ करके। बड़ी उम्मीद थी लोकसभा का टिकट मिलेगा, मिला नहीं, टिकट मिला जेपी को, जेपी चुनाव जीत गए। ब्रजेंद्र सिंह उचाना से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। इनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो हैं वीरेंद्र घाघोड़िया, निर्दलीय प्रत्याशी, चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। यहां पर देवेंद्र अत्री कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौथे कैंडिडेट हैं दुष्यंत चौटाला, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और दुष्यंत चौटाला यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। इस चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले दुष्यंत चौटाला की आपसे बात करूं तो दुष्यंत चौटाला के लिए ये चुनाव 2024 का चुनाव बहुत संकट वाला चुनाव है, बड़ी अग्नि परीक्षा वाला चुनाव है। 2019 में जो मास्टर की लेके आ गए थे, यानी कि अपनी चाबी के सिंबल से हरियाणा की सियासत की, हरियाणा की सत्ता की जो मास्टर की उनके पास थी, यानी किंग मेकर थे, 2024 का चुनाव यानी कि मात्र 5 साल बाद उनकी स्थिति अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत खराब है। उचाना में लोग दुष्यंत चौटाला के लिए कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला 10,000 यानी कि 5 फिगर को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 5 फिगर तक पहुंच नहीं पाएंगे, हालांकि चुनाव परिणाम बताएगा। अब आ जाती है बात ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र घाघोड़िया की। जाट मतदाता इन दोनों में डिवाइड होगा, ब्राह्मण मतदाता भी यहां पर बड़ी संख्या में है और देवेंद्र अत्री ब्राह्मण चेहरे के रूप में भाजपा के कैंडिडेट हैं। इस लिहाज से यहां पर जो मुकाबला है, हमने आपको कहा था कि ब्रजेंद्र सिंह को एज है, लेकिन आज ब्रजेंद्र सिंह यहां कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह समर्थक एक नेता है, वो वहां गए थे, 3-4 दिन लगा कर के आए, मेरी उनसे बड़ी विस्तार से बात हो रही थी। उनका भी मानना था कि ब्रजेंद्र सिंह को बढ़त तो है लेकिन वो बढ़त नहीं है, यानी कि जब कहीं बढ़त प्रभावशाली ना हो तो फिर उसमें वहां पर चुनाव पिछड़ने में भी देर नहीं लगती। इस लिहाज से उचाना का चुनाव भी बहुत फंसा हुआ चुनाव है और उचाना में भी आप ये मान करके चलें कि 3 प्रमुख जाट कैंडिडेट और 4थे ब्राह्मण कैंडिडेट, चुनावी समीकरण किसी तरफ भी बढ़ सकता है। ब्रजेंद्र सिंह इस चुनाव के अंदर गंभीर संकट में फंसे हुए हैं और ब्रजेंद्र सिंह के साथ भी यही आती है। आप ये मान लें कि ब्रजेंद्र सिंह के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह को बुलाना पड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, हुड्डा साहब यहाँ चुनाव प्रचार करने गए और तमाम नेता भी कांग्रेस के बुलाए गए। और उसके पीछे कारण यही है कि क्योंकि ऐसा लग रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां को भी कि कहीं हवाएं कुछ संकेत दे रही हैं, हवाएं खिलाफ ना हो, हवाएं अपने पक्ष में रहे, इसके लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह तमाम प्रयास कर रहे हैं। और मैं यहां भी यही कहूंगा कि जो कांग्रेस के पक्ष वाली बात पूरे हरियाणा में है, ये ब्रजेंद्र सिंह के लिए एज की बात है, लेकिन चुनाव उनका भी फंसा हुआ है। ये था हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों पर, जिसमें कि हमने जो आपको बताया था उससे चुनाव परिणाम जो सामने नजर आ रहे हैं, परिणाम तो 8 तारीख को आएगा, 5 को मतदान होगा, लेकिन जो मतदाताओं का मिजाज है वो कुछ बदला सा है। आप हमारी बात से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।